दोस्तों मुसलमानों के सबसे बड़े देश में 700 साल से खोलते लाबी को थामे बैठे हैं गणपति, आखिर क्या रहस्य है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, यहाँ रिकॉर्ड के मुताबिक 141 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 130 अभी भी एक्टिव है। और उस मुस्लिम देश के एक इलाके में लावा के पास गणपति जी की मूर्ति है। ये जानकर आपको जरूर झटका लगेगा, लेकिन ये सच है। ये देश है इंडोनेशिया। यहाँ पूरी दुनिया के करीब 13% मुसलमान रहते हैं। लावा के पास जिन इलाकों में गणपति विराजमान है वह माउंट ब्रूमो है। यहाँ गणपति की मूर्ति 700 साल पुरानी है। लोगों का मानना है कि भगवान गणपति ज्वालामुखियों से उनकी रक्षा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रूमो शब्द ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा की जावा भाषा के उच्चारण से लिया गया है। हाल ही के एक रिकॉर्ड के अनुसार इंडोनेशिया में 130 एक्टिव ज्वालामुखी हैं और लगभग 50 लाख लोग खतरे वाले क्षेत्र के आसपास रहते हैं। माउंट ब्रूमो में स्थित गणपति की मूर्ति का बहुत ही खास महत्व है। टेंगर मैसिव जनजातियों की किंवदंतियों का दृढ़ विश्वास है कि लगभग 700 साल पहले उनके पूर्वजों ने यहाँ गणेश की मूर्ति स्थापित की थी, जिसके कारण वे गणेश को कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं ताकि उनकी खेती और पशुधन को कोई नुकसान न पहुंचे। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि ज्वालामुखी फटने पर भी यहाँ गणपति की पूजा कभी नहीं रुकती। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन यहाँ किसी भी चीज की परवाह किए बिना किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा के अलावा यहाँ प्रसाद के रूप में फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ज्वालामुखी फट जाएगा और यहाँ के लोगों को निगल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।